जब आदि योगी ने अपना ज्ञान प्रसारित किया, वो 112 तरीके, उनके जो सात शिष्य थे सप्तऋषि, उन्होंने इस ज्ञान को 16 तरीकों से 7 हिस्सों में बांटा, तो उनमें से हर एक ने परम ज्ञान को प्राप्त करने के 16 तरीके सीखे। योगिक कथाओं में कहा गया है कि उन्हें इसे सीखने में 84 साल लगे। इन 84 सालों में आदि योगी उनके लिए सिर्फ एक शिक्षक ही नहीं रहे, धीरे धीरे वो उनके लिए सब कुछ बन गए। जब सप्त ऋषियों ने इन 16 तरीकों को आत्मसात कर लिया, तब आदि योगी ने उनसे कहा, अब जाने का समय आ गया है, तुम लोगों को जाकर बाकी दुनिया के साथ इसे बांटना है। जब वो जाने ही वाले थे, उन्होंने कहा, लेकिन गुरु दक्षिणा का क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि गुरु को दक्षिणा की जरूरत है, बात बस इतनी है कि गुरु चाहते हैं कि वो एक समर्पण की भावना के साथ जाए, कुछ बहुत कीमती भेंट करके जाए, क्योंकि समर्पण की अवस्था में ही एक इंसान अपने चरम पर होता है। तो आदि योगी शिव ने गुरु दक्षिणा मांगी। ये सातों भौचक के रह गए, उन्हें क्या अर्पित करें? उनके पास ऐसा क्या है जिसे वो आदि योगी को भेंट कर सके? अगस्त्य मुनि ने कहा, मेरे पास 16 रत्न है, सबसे कीमती रत्न। ये 16 रत्न जो मैंने आपसे प्राप्त किए हैं, मैं आपको अर्पित करता हूं। उन्होंने 84 साल की कठोर साधना के बाद इसे हासिल किया था, और अब एक ही पल में जब उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगी, उन्होंने उसे उनके चरणों में अर्पित कर दिया और रिक्त होकर खड़े रहे, बिल्कुल शून्य। आदि योगी ने कहा, जाने का समय हो गया है। वो खाली हाथ वहां से चल पड़े, और ये उनकी शिक्षा का सबसे मुख्य पहलू था। चूंकि वो रिक्त होकर निकले, वो उनके जैसे बन गए। शिव का अर्थ है वो जो नहीं है, वो भी वो बन गए जो नहीं है। चूंकि वो ऐसे बन गए, इसलिए उन सातों में से हर एक के माध्यम से सभी 112 तरीकों को अभिव्यक्ति मिली। वो चीजें जो वो कभी भी नहीं समझ सकते थे, वो चीजें जिसके लिए उनमें कोई क्षमता नहीं थी, वो चीजें जिसके लिए उनके पास जरूरी बुद्धि नहीं थी, वो सब उनका एक हिस्सा बन गए, क्योंकि उन्होंने उसे अर्पित कर दिया जिसे उन्होंने हासिल किया था, जो उनके जीवन का सबसे कीमती पहलू था। उन्होंने उसे आदि योगी को वापस कर दिया और खाली हाथ निकल पड़े।